Sardiya, a short story by Aditya Shankar Roy. कुछ ठोस तो वजह नहीं, पर मुझे ये बड़ी उदासी लगती है। जब भी आती है एक अजीब सा मातम छाया रहता है। लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे ऐसे बंद करते हैं जैसे कर्फ्यू लगा हो। कभी निकल पड़े हो रात में अकेले सर्दियों में, लगता है जैसे दुनिया के उस तरफ से भी कोई तुम्हें सुन लेगा। कहीं दूर कोई रेडियो की अधूरी सी धुन तुम्हारे कानों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है, तो कहीं किसी घर के टूट के बिखरने का शोर गूंज उठता है। बड़ी बेदर्द है ये सर्दियाँ, काफस से निकली हुई वो आजाद परिंदे की उड़ान भी फाश कर देती है। ठंड से बचते हुए तुम जब अपने शॉल को कस रहे हो, तो पीछे की गली से वो रिफ्यूजी वाले बच्चे की कांपते हुए रोने की आवाज तुमको मायूस कर देती है। पर तुम्हें मना है उन्हें सहारा देना, गद्दार के मुल्क से है वो लोग। अरे उन सियासत के अंधे कानून के किताब लिखने वालों को क्या पता कि दिल में खंजर जैसी चुभ रही उन आवाजों को शांत नहीं कर पाती ये सर्दियाँ। अरे कोई ये मौसम से कहो ये दूसरे मुल्क से है, ये आवाजें हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर नहीं कह सकते हो तो बुलाओ उस खुदा को जिन्हें इन मासूमों के दर्द से आराम मिलता होगा। क्यों नहीं देता कोई जवाब, क्यों महरूम है ये खुदा के बच्चे। बड़ी बेदर्द है ये सर्दियाँ, हिफाजत उन रकम वालों का होता है, शिद्दत वालों का नहीं। अपने कदमों के आहट सुनते हुए आगे बढ़ गया तो कुछ लोग दिख गए जो काले कपड़ों में ढके हुए थे। एक अजीब सा खौफ दिल में जाग उठा, ये कहीं वो दूसरे मुल्क वाले तो नहीं। कुछ दूर जाते ही एक बूढ़ा आदमी मेरे तरफ चल के आया, कांपते हुए अपने रूखे से दोनों हाथ मेरे हाथों में रख के कहा, बेटा 7 दिन से दर दर भटक रहे हैं, कुछ खाने को दे दो, किसी ने नहीं दिया। ये तलब नहीं बेटा, मजबूरी है, उन लोगों ने मेरे बेटे और पोते को मार दिया, ये मेरी आखिरी मुराद समझ लो, कुछ खाने को दे। और फिर से वो रात को सन्नाटे ने घेर लिया। दूर एक आतिश से जल रही थी, पता नहीं चला ये मेरी जमीर थी जो जल उठी, या वो खुदा जो अपने बच्चों में अभी भी उम्मीद का नुमाइश कर रहा था। बड़ी बेदर्द है ये सर्दियाँ, आज फिर शायद कोई नायाब कहानी लिखेगी ये दुनिया अपने गुमनाम आवाजों में। बड़ी बेदर्द है ये सर्दियाँ।